हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक टैली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फिनिश गुड तैयार करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो इसके लिए टैली के अंदर हमें कई ऑप्शन को भी ऑन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग काम है इन्वेंट्री से रिगार्डिंग है, तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे। इसके अंदर हम स्टॉक आइटम क्रिएट, आइटम क्रिएट करने से पहले आपको F12 के अंदर एक फीचर्स को ऑन करना पड़ेगा। F12 पे जाइए या डायरेक्टली आप F12 भी प्रेस कर सकते हो। और इस पर सबसे जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला अलाउ कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। सेकंड F11 फीचर्स और उसके अंदर F2 से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर मेनटेन स्टॉक कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा और कंट्रोल A से इसको सेव करा दीजिए। जितना भी हमारा रॉ मटेरियल, हम मान लो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमें एक सीपीयू तैयार करना है और सीपीयू तैयार करने में हमारे जो रॉ मटेरियल जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हमारा हमारी रैम है, सीडी रोम है, मदरबोर्ड है, तो ये हमारे आइटम हमें क्रिएट करने पड़ते हैं रॉ मटेरियल के। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, मदरबोर्ड है हमारा, अंडर कैटेगरी बना देते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल है। यूनिट्स, इस ऑप्शन को रॉ मटेरियल के अंदर हमें नो करना पड़ता है। जब हम फिनिश गुड बनाएंगे तब हम कंपोनेंट को सेट करेंगे, तब वहां पे हम इसको यस करेंगे। अभी इसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर हम इसे नो ही करते हैं। पीसेस, रॉ मटेरियल, अब जो हमें फिनिश गुड बनानी है वो जैसे हमारा पीसी है और कैटेगरी के लिए हमारी फिनिश गुड है, पीसीज, और इस ऑप्शन को भी यहाँ पे यस करना है। फिनिश गुड पे आपको इस ऑप्शन को यस करना है। और यहाँ पे नाम के लिए हमने डाल दिया, हम सीपी जो तैयार कर रहे हैं वो ड्यूल कोर तैयार कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर कितने की हो रही है, 1 की। तो एक ड्यूल कोर सीपीयू तैयार करने में जितना भी हमारा रॉ मटेरियल लगेगा वो यहाँ पे हम ऐड कर दें, जितनी भी क्वांटिटी लगती है उसको तैयार करने में। सीरोम हमारा 1 लगता है, हार्ड डिस्क 1, मदरबोर्ड 1, रैम हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 डाल दी। यहाँ पर हमने आइटम क्रिएट कर दिए, तो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज के लिए, पार्टी हम कैश डाल देते हैं अभी फिलहाल, और परचेज अकाउंट अंडर हमारा परचेज अकाउंट के अंदर बनेगा, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, यस आइटम आपको यहां से सीडोम, हमने क्वांटिटी परचेज की 100, रेट 200, सेकेंड हमारा है हार्ड डिस्क, पीसीज हमने लेने हैं 100, रेट, थर्ड मदरबोर्ड, और यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैम, रेट, अब हमने अपने स्टॉक को परचेज कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं स्टॉक समरी के अंदर जाके, हमारा सीडी रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सब कुछ आ चुका है, क्वांटिटी भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, हमारा यहाँ पे कोई भी ऐसा वाउचर नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस्तेमाल करें, तो हमें वाउचर को क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वाउचर टाइप्स क्रिएट, क्रिएट के बाद यहाँ पर अपना जो हम वाउचर क्रिएट करना चाह रहे हैं वो मैन्युफैक्चर के नाम से क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चर जनरल के नाम से।
अंडर हमारा आता है ये स्टोक जर्नल के अंदर, और इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस कराना है। एंटर प्रेस कीजिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर यहाँ पे अल्ट के साथ F7 और हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है मैन्युफैक्चर जर्नल। यहाँ पे जो अपन नेम ऑफ प्रोडक्ट हम क्या तैयार कर रहे हैं, पीसी क्वांटिटी, हमें कितने पीसी तैयार करने हैं, मैन्युफैक्चर कितने करने हैं, 1, 2, 3 जितने आप चाहते हो, हमें 10 पीसी तैयार करने हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आ जाएगी कि 10 पीसी तैयार करने में हमें कितने हमारे सी रोम इस्तेमाल की जाएंगे, कितने हार्ड डिस्क और कितने मदरबोर्ड और रैम हमने वहाँ पे सेट किया था। ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट और सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने दिखा दिया। इसके बाद कई बार हमारा कंजप्शन करने में, जैसे हमें कोई कंपोनेंट हम तैयार कर रहे हैं तो हमारा वेस्टेज भी होता है जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर यहाँ पर स्क्रैप जो निकलता है वो आप यहाँ पर मैंसन कर सकते हो। फिलहाल हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। जैसे हमने पीसी तैयार किया, मान लो इसके हम इसके रेट में हम अपने कॉस्ट चार्जेस जोड़ना चाहते हैं, असेंबलिंग चार्जेस जोड़ना चाहते हैं, या हम भाड़ा जो लेबर्स हमारी लगी है वो हम एक्स्ट्रा इसमें दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमारा वेजेस है, वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आती है। और यदि आपने यहाँ पे अपने असेंबली चार्जेस लगाया है वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यहाँ पे परसेंटेज के भी हिसाब से डाल सकते हो, ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से कट जाएंगे 2%, 3%। और जब 2% डाल लेते हैं अभी फिलहाल, और हमारी एंट्री पास। हम देख लेते हैं एक बार स्टॉक समरी में जाके। यहाँ देखिए हमारे पीसी 10 पीसी क्रिएट किए ऑटोमेटिक। देखो यहाँ से हमारे जितने भी रॉ मटेरियल थे हमारे वो यहाँ से कम हो चुके हैं और 10 पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।